बिलासपुर का बहुत बड़ा सम्मान है ये। फ्लाइट चालू हुई है वो और कोलकाता दिल्ली, जैसे अभी उप मुख्यमंत्री जी ने बोला हैदराबाद भी चालू होने वाली है। रायपुर जाना पड़ता था, रायपुर जाते हैं तो उसमें हम लोग को पैसा भी ज़्यादा खर्च होता था, लेकिन बिलासपुर में स्टार्ट होने से हमारा थोड़ा पैसा भी बचेगा और अच्छा सुविधा भी मिलेगा। ज़मीन 287 एकड़ की व्यवस्था हो गई है, अब हम उम्मीद करते हैं कि जो बचे हुए दो महानगर हैं सीधे कनेक्ट हो रहे हैं वो जल्दी कनेक्ट होंगे। बिलासपुर के लिए आज बड़ा दिन है, बिलासपुर से कोलकाता और नई दिल्ली के लिए सीधी हवाई सेवा की आज से शुरुआत हो गई है। सुबह के सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव सहित तमाम जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर फ्लाइट को रवाना किया है। इस फ्लाइट की आज शुरुआत की है और देखिए किस तरह से बिलासा एयरपोर्ट में उत्साह का माहौल है, क्योंकि लंबे समय से बिलासपुर से सीधे तौर पर महानगरों को कनेक्ट करने के लिए हवाई सुविधा की जो मांग है उठ रही थी, इसी कड़ी में अगर कहें तो बिलासपुर को एक बड़ी सौगात आज मिली है। बिलासपुर से कोलकाता सीधी फ्लाइट की शुरुआत हुई है, इसके साथ ही बिलासपुर से नई दिल्ली के लिए भी आज सीधी फ्लाइट शुरू हुई है और कुछ लोग हैं, सीधे हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो इस सौगात को कैसे देखते हैं। बिलासपुर के लोग भी हैं, सीधे उनसे भी बात करते हैं, किस तरह देखते हैं दो नई फ्लाइटें जो हैं आज मिली हैं, कितना आप लोग उत्साहित हैं? भैया बहुत उत्साहित हैं और बिलासपुर की ये बिलासपुर का बहुत बड़ा सम्मान है ये, जो ये छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान कहलाता है बिलासपुर, और यहाँ से आज जो हवाई सेवा चालू हुई है दिल्ली के लिए और कोलकाता के लिए, और हम आने वाले समय में चाहेंगे कि और भी फ्लाइटें चालू हो और यहाँ की जनता के लिए एक सुविधाजनक यात्रा हो सके, सुविधाएँ। बताइए क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही चाहता हूँ जो भैया ने बोला, हमारे बड़े भैया ने, कि बिलासपुर से जो फ्लाइट चालू हुई है वो और कोलकाता दिल्ली, जैसे अभी उप मुख्यमंत्री जी ने बोला हैदराबाद भी चालू होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि पूरी कनेक्टिविटी हो जाए तो जिससे हम सबको आराम हो, यात्रियों को रायपुर जाना ना पड़े जो समय लगता है। धन्यवाद। बिल्कुल, लंबे समय के बाद ये अवसर आया है, दो नई फ्लाइटें शुरू हुई हैं, किस तरह से देखते हैं इसको, इससे पीछे लंबा संघर्ष भी रहा? जी बहुत खुशी की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के चकरभाठा में और नेताजी के प्रयास से ये सब फ्लाइट चल रहे हैं। बहुत खुशी है हम लोग और आने वाले समय में और बहुत सारे इंतजार है हमको। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सुविधा मिला है, क्योंकि हमको रायपुर जाना पड़ता था, रायपुर जाते हैं तो उसमें हम लोग को पैसा भी ज़्यादा खर्च होता था, लेकिन बिलासपुर में स्टार्ट होने से हमारा थोड़ा पैसा भी बचेगा और अच्छा सुविधा भी मिलेगा। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि फ्लाइटें जो है वो चलती रहे, बंद ना हो फ्लाइट? बिल्कुल कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। मैं फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, 14 फिल्में बनाया हूँ और हमको बहुत परेशानी होती थी कलाकारों को जो हैदराबाद से आते हैं, मुंबई से आते हैं, उनको एयरपोर्ट भेजना पड़ता है रायपुर, वहाँ से आने में ही काफ़ी समय निकल जाता है, पैसे भी खर्च होते हैं। अब यहाँ से एयरपोर्ट से जो हवाई सेवा चालू होने से बहुत सुविधा होगी, पैसे भी बचेंगे और अच्छे अच्छे कलाकारों को हम और ला सकेंगे। बिल्कुल सुदीप जी हैं, क्योंकि लंबे समय से आप लोगों ने संघर्ष किया है, चाहे वो कोर्ट की लड़ाई हो, सड़क की लड़ाई हो, किस तरह से देखते हैं लड़ाई का कहें तो एक चरण अगर कहें तो दो सफलता पड़ाव, एक पड़ाव है ये। हम लोगों ने एयरपोर्ट चालू करने की मांग की थी, वो चालू हुआ, फिर हमने कहा चार महानगरों तक सीधी कनेक्टिविटी हो, उसमें से दो आज सीधे कनेक्ट हो रहे हैं और इसके साथ साथ दो बचे हुए हैं, और 4C एयरपोर्ट जहां बोइंग और एयरबस उतर सके, जिसके लिए 1500 मीटर की जगह 2200 से अधिक मीटर का रनवे का चाहिए। ज़मीन 287 एकड़ की व्यवस्था हो गई है, अब हम उम्मीद करते हैं कि जो बचे हुए दो महानगर हैं सीधे कनेक्ट हो रहे हैं वो जल्दी कनेक्ट होंगे, और साथ ही साथ 4C एयरपोर्ट के लिए DPR बनाने का काम तुरंत शुरू हो, प्रोजेक्ट सेंक्शन हो, क्योंकि 3 साल कम से कम लगेगा 4C बनाने में। तो आज जो शुरुआत हुई है, आज जो पड़ाव हासिल किया है, उसको और आगे बढ़ाएं, यही मेरी शुभकामना है। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम लोग बात करते हैं, किस तरह से देखते हैं कि विमान सेवा की शुरुआत, दो नई फ्लाइटें आप लोग को मिली है, किस तरह से देखते हैं? हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, विष्णुदेव जी को, क्योंकि यहाँ से बिलासपुर से दिल्ली जाने के लिए हमको रायपुर जाना पड़ता था, बहुत समय लगता था, इसके कारण बहुत असुविधा होती थी नागरिकों को, और यहाँ पे हम लोगों को बहुत सुविधा दी गई है। बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी को धन्यवाद देना चाह रही हूँ कि हमारे बिलासपुर को इतना आगे बढ़ा रहा है, धन्यवाद मोदी जी का। और जो हम लोग को परेशानी होता था रायपुर जाने से एयरपोर्ट पहुंचने में, वो अपना चकरभाठा में हो रही है। कितनी सुविधा मिलेगी आपको कि दो नई फ्लाइटें शुरू हो गई हैं, कलकत्ता और दिल्ली अब दूर नहीं है आप लोग के लिए? जी, इसके लिए मोदी जी को और देसाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ी देर पहले बोले थे कि हवाई चप्पल से लेकर हवाई जहाज तक की यात्रा सबको सब मिलनी चाहिए करके, तो उसके लिए हम बहुत खुश हैं। और हमको जाना पड़ता था रायपुर एयरपोर्ट, अब वो हमारे यहाँ चकरभाठा में मिल गया है, इसके लिए हम लोग सभी महिलाएँ देसाई जी को और मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं।
बिल्कुल, तो आज उत्साहित हैं तमाम जो बिलासपुर के लोग हैं, क्योंकि एक बड़ा दिन है, दो नई फ्लाइटें बिलासपुर से शुरू हुई। आज हमको इतनी ज़्यादा सुविधा मिल चुकी है, रायपुर जाना पड़ता था एयरपोर्ट, अब हमको चकरभाठा से ही मिलेगा कलकत्ता जाने के लिए। मोदी जी जिंदाबाद, विष्णु शाह जी जिंदाबाद। बताइएगा, आप दिल्ली और कलकत्ता दूर नहीं है? हाँ नहीं, अब हमारे लिए मोदी जी वैसे अच्छा ही काम कर रहे हैं हमारे नारी शक्ति के लिए, और आगे भी करते रहेंगे। और आज जो सुविधा हमें मिली है वो मोदी जी के नाम से ही मिली है, और इतना कोशिश तो हमारे नेता लोग, विधायक लोग किए हैं, जो आज हम लोग को ये फल मिल रहा है। जो रायपुर जाके हम सुविधा लेते थे एयरपोर्ट का, वो यहाँ पे मिल रहा है हमको नज़दीक में, और यहाँ नज़दीक में मिलने से हमें सभी को हर्ष है, उत्साह है, और इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद बहुत बहुत, और हमारे साई जी को। हालांकि लोगों को यह भी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बिलासपुर से हवाई सेवा का और विस्तार हो। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, आईबीसी 24 बिलासपुर।